प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य, ऊर्जा के साथ ही कोरोना महामारी के चलते हुए नुकसान की भरपाई के उपायों जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। एलएसी पर तनाव के बीच ब्रिक्स सम्मेलन में आमने सामने होंगे पीएम मोदी, शी जिनपिंग। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी का शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान डिजिटल माध्यम से आमना सामना हुआ था। पहले चरण की सफलता के बाद भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं आज से मालाबार एक्सरसाइज का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है। इस फेज में भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य, अमेरिका का विमानवाहक युद्धपोत USS निमित्स भी हिस्सा ले रहा है। आज राजकीय सम्मान के साथ होगा मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का अंतिम संस्कार। कल गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस। कांग्रेस ने स्थगित किए आज के सभी कार्यक्रम। प्रदेश में आज राजकीय शोक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मेघवाल के परिजनों के पास राष्ट्रपति भवन से फोन आया था। मुख्यमंत्री आवास पर गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में शोक प्रस्ताव पारित हुआ। अधिकांश मंत्रियों ने मास्टर भंवरलाल मेघवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार में नीतीश कुमार की चौथी पारी शुरू। आज कैबिनेट की पहली बैठक। बैठक में ही विभागों का हो सकता बंटवारा। कपिल सिब्बल के बयान पर गहलोत का पलटवार। कहा, पार्टी के आंतरिक मुद्दे का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं। सिब्बल ने कहा था, पार्टी लीडरशिप कमजोरियों को कबूलना नहीं चाहती। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे बद्रीनाथ धाम। बाबा भोलेनाथ के किए दर्शन। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंचे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी सरकार को घेरा। कहा, राज्य में अपराध की घटनाएं नहीं थम रही हैं। बीजेपी नेता मनमानी कर रहे हैं और वे बेलगाम होते जा रहे हैं। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रणथंभौर दौरे पर रही। आज शाम को उनका परिवार सहित नेशनल पार्क भ्रमण करने का कार्यक्रम है। दिल्ली में जैश ए मोहम्मद के दो आतंकी गिरफ्तार। धमाका करने की फिराक में थे दोनों कश्मीरी आतंकी। आतंकियों से विस्फोटक और दस्तावेज बरामद। कई VIP थे निशाने पर। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद करे पंजाब का आइकन बनाकर सम्मान दिया गया। निर्वाचन आयोग ने उन्हें पंजाब का राज्य आइकन नियुक्त किया है। अब राज्य में चलाएंगे जागरूकता अभियान। मुंबई के कुर्ला इलाके में लगी भीषण आग। खादी के गोदाम में आग लगने से मची अफरा तफरी। आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी दमकल। भारत में पिछले 5 हफ्तों से कोरोना वायरस के औसत नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटे में 29,164 नए कोरोना संक्रमण केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 88,45,000 हो गए हैं। देश में कोरोना रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.47% के आसपास है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोना वायरस के एक्टिव केस, मृत्यु दर और रिकवरी रेट का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। लेकिन राहत की बात है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में अभी कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटी भारत बायोटेक ने आज कोवैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षणों की शुरुआत की घोषणा की है। WHO चीफ की चेतावनी। कहा, वैक्सीन आने के बावजूद कोरोना वायरस संक्रमण अपने आप नहीं रुकेगा। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मावठ की बारिश के बाद मथुरा मरुधरा में लुढ़का पारा। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म लक्ष्मी भले ही भारत के सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई, लेकिन विदेशी धरती के सिनेमाघरों में इसे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 और टेस्ट मैच के लिए टीम की घोषणा कर दी है।